हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग हैं पिंडारी पे। पिंडारी हम लोग यहाँ से कल निकलेंगे। अभी हम पहुँच चुके खाती में। सुबह हम लोग हल्द्वानी से निकले थे, तो हल्द्वानी से बागेश्वर होते हुए कपकोट, और कपकोट से हम लोग खाती आ गए हैं। कपकोट से खाती तक रोड काफ़ी हमें ख़राब मिली थी, पूरा ऑफ रोडिंग था। और अभी हम लोग यह खाती पे हैं। आज हम यहीं पर कैंपिंग करेंगे और कल सुबह हम लोग यहाँ से पिंडारी के लिए निकलेंगे, जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर का वन साइडेड है 0 पॉइंट तक। ये कपकोट था, कपकोट के बाद हम लोग इस पॉइंट पर आए थे और उसके बाद यहाँ पे, और फिर अभी हम लोग खाती में। खाती से 0 पॉइंट के लिए ये रूट दिखाया गया इसमें, जो 11 किलोमीटर, और उसके बाद 5 किलोमीटर ऊपर, उसके बाद 0 पॉइंट तक 8 किलोमीटर तक है। तो कल हमें वहाँ तक जाना है। आज हमें आते आते यहाँ पे शाम हो चुकी है। और इस जगह पर हम लोग अभी अपना टेंट लगाएंगे और आज का स्टे हम लोग करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने सामान रख दिया है और ये जगह काफ़ी सुंदर लग रही है। अभी हमारा टेंट लग चुका है, यहाँ पर हमने टेंट लगा दिया है और आज का स्टे हम इसी कैंप में करेंगे। और कल सुबह हम लोग यहाँ से ट्रैक के लिए निकलेंगे, जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर है पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट तक। तो आज करते हैं यहाँ पर आराम। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम लोग हैं खाती में और आज हम अपना ट्रैक यहाँ से पिंडारी के लिए शुरू करेंगे 0 पॉइंट तक, जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर वन साइडेड है। और अभी हम लोग उठ गए थे सुबह 5 बजे, हमारे टाइम से नींद खुल गई थी क्योंकि कल रात में हम लोग काफ़ी थक चुके थे, तो हम लोग टाइम से सो गए थे। मैंने तो पूरे 11 घंटे की नींद ले रखी कल शाम को 6 बजे से, अभी सुबह 5 बजे नींद खुली। सामान हम लोग अभी पैक कर रहे हैं, सारा सामान पैक कर लिया हमने। इसके बाद टेंट निकालना है और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करेंगे और टाइम से पहुँचेंगे। 24 किलोमीटर का पूरा चढ़ाई है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ तक जाने में। और ये है यहाँ का खाती विलेज, काफ़ी सारे घर हैं और यहाँ पे सामने हमने अपना टेंट लगाया हुआ था। और यहीं से आगे के लिए पिंडारी का ट्रैक भी है, थोड़ा आगे चलते हैं। ये यहाँ पे काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, आप यहाँ पे या तो कैंप लगा के रह सकते हो और अदरवाइज़ इन घरों में भी यहाँ पे होम स्टेज काफ़ी है, तो यहाँ भी रह सकते हो और खाने पीने का भी हो जाता। हम लोगों ने तो ऐसा कुछ करा नहीं था, हम बस यहाँ पे कैंप में, और खाना भी हमने खुद ही बनाया था। ऑलमोस्ट सारा सामान हमने पैक कर लिया, बैग हमने रेडी कर लिए और अभी हमें बस निकालना अपना टेंट और उसके बाद हम लोग यहाँ से पिंडारी के लिए ट्रैक स्टार्ट कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए हमने सारा सामान पैक कर लिया है, इतना सामान है और दीपक और मुझे ये सारा लेके जाना है, और टेंट भी हमने हटा लिया है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे पिंडारी के लिए। इतना सारा सामान है हमारे पास, 2 बैग हैं, स्लीपिंग बैग्स और मैट्रेस, काफ़ी सारा सामान है और हम 2 लोग हैं। और अभी जिस जगह पर हम लोग हैं खाती में, ये है हमारा 7,500 मीटर की हाइट पे, और हमें जिस जगह पर जाना है वो है 11,500 फिट की ऊंचाई पे। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, अभी हम लोग निकल गए हैं। आगे से दीपक जा रहा है और पीछे से मैं। फाइनली हमने यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। किधर को जाना है? ऊपर को। यहाँ से जो 24 किलोमीटर का है वो हमें करना है और हम लोग निकल गए हैं सुबह। कितना टाइम हो रखा अभी? सुबह के 7 बजने वाले हैं, 7 बजे हमने यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर दिया और काफ़ी लोडेड सामान है हमारे पास, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, खाने से लेके सोने से लेके हर चीज़ हमारे पास रखी हुई है। और हम लोग आ गए हैं ऊपर, ये नीचे खाती विलेज है, यहाँ से पूरा कवरअप हो रहा है
और यहीं से पिंडारी का ट्रैक स्टार्ट होता है और खाती विलेज से हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं और अभी से चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि सामान काफ़ी सारा हो गया हमारे पास और स्ट्रेट ऊपर की तरफ चढ़ाई है। ये भी आ रहा हमारे साथ, कल रात हमारे साथ रुका हुआ था। चल तू भी चल। आजा तू भी आजा। और जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ही ब्यूटीफुल नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़, येलो कलर के पत्तियां उस पर लगी हुई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है अभी ट्रैक करने में। पिंडारी का जो ट्रैक है काफ़ी सुंदर है, अभी तक का सबसे जितने भी पहले ट्रैक कर रखे हैं सबसे अच्छा यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि रास्ता काफ़ी खूबसूरत है यहाँ से और पास में नदी बह रही है, उसकी आवाज़ भी आ रही है। और यहाँ पे केएमएन के पास काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, आप हर साइड से एंगल से देखिए चारों तरफ से पत्तियाँ ही पत्तियाँ दिख रही हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं। अभी हम लोग खाती से आ गए हैं 1.8 किलोमीटर, इतना मोबाइल के हिसाब से दिखा रहा, 2 किलोमीटर के लगभग हम लोग आ गए हैं। और पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए पहले हमें खाती से ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि बीच में एक नदी पड़ती है, वो नदी पहले पार करनी पड़ती है और उसके बाद उस पहाड़ी में सीधे स्ट्रेट चढ़ाई है, तब जाके वहाँ से स्टार्ट होगा। हम लोग आ गए हैं अभी खाती से लगभग 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर आने के लिए पहले हमें ऊपर चढ़ना पड़ा था और उसके बाद अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ऊपर ग्लेशियर तक जाने के लिए हमें नीचे वाली जो नदी बह रही है वो पार करनी पड़ती है और तब जाके हम लोग उस पहाड़ी में पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से ऊपर की तरफ स्टार्ट करेंगे। और यहां पर ग्लेशियर आने के लिए रास्ता काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में पूरा बना हुआ है प्रॉपर रास्ता, तो कोई इतना इश्यू है नहीं। और थोड़ा सा सामान हमारे पास ज़्यादा हो गया उस वजह से थोड़ा शोल्डर पेन कर रहे हैं, लेकिन इतना सामान आपको यहाँ पर लेके जाना ही पड़ेगा। और ये है पिंडर नदी, जिस नदी की अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये हमने क्रॉस कर ली है। इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ ब्रिज बना हुआ है, काफ़ी अंदर है ब्रिज ये रोड से, तो यहाँ से पैदल ट्रैक है। तो इस ब्रिज को पार करने के बाद यहाँ से सीधे ऊपर का ट्रैक है ग्लेशियर की तरफ, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। अभी हम आ गए हैं तीसरे रेस्ट पॉइंट तक और यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर कर रखी है हमने टोटल 4.6 किलोमीटर दिखा रहा है इस पर। और ये तीसरा रेस्ट पॉइंट है हमारा, अभी तक हमने रेस्ट नहीं किया था तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद स्ट्रेट चढ़ाई होगी इसके बाद। अभी भी मतलब ट्रैक अच्छा है, सीधा सीधा है, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत चढ़ाई है, बाकी सिंपल सा है, इतना टफ नहीं है। तो हम लोग आराम से आ गए थे और 20-20 केजी के हमारे पास बैग है दोनों के पास, एक ज़्यादा भारी है तो इतना कुछ हमें दिक्कत अभी महसूस हो नहीं रही। पीछे देख के गिराना है? पीछे देख के गिराना, हाँ इधर को जब गिराओगे ना सर में लगता हो। अपनी हाइट के हिसाब से देखो, अभी हम लोग आ गए खाती से 5.2 किलोमीटर आगे और हमने बना लिए हैं ट्रैकिंग पोल सपोर्ट के लिए। इससे क्या होता है, आप जब भी हिल में अपसाइड की तरफ चढ़ते हो तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है और शोल्डर भी पेन कम करते हैं इससे, क्योंकि इससे सपोर्ट मिलता है। तो ये हमने अभी नीचे मिले क्योंकि वाली लकड़ी ऊपर मिलती नहीं है, तो हमने नीचे बना लिए थे। हम आ गए 5-6 किलोमीटर करीब, आगे 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। और दिवाली में क्या करेंगे हम लोग, ब्रेकफास्ट दिवाली में हम लोग का लंच होगा। और पिंडारी 0.19 किलोमीटर है, आज पहुंचेंगे, आज देखते हैं अगर हो पाए तो कल देखेंगे हम पिंडारी 0.1 का, आज जितना हो पाया हम लोग उतना कोशिश करेंगे पहले पहुंचने की। अप्रोक्स 6 किलोमीटर का ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है और 6 किलोमीटर तक आते आते बहुत थकान लग रही है क्योंकि चढ़ाई है और बैग भी लोडेड है,
200 से काफ़ी लग रहा टोटल खाती से यहाँ तक का। पिंडारी जीरो पॉइंट तक का 24 किलोमीटर का ट्रैक है और अभी हम लोग 6.2 के अराउंड आ चुके हैं। फिर रास्ता तो काफ़ी डेवलप कर रखा है, ठीक ही है। कितने सालों से मेंटेन किया है, अच्छा लग रहा लेकिन फिर भी बैंड तो सीधा ही दिख रहा। अभी तो वाटरफॉल कितना किलोमीटर रह गया, बैंड आएगा उसके बाद हल्का सा बैंड तो है। अभी हम लोग आ गए हैं 8 किलोमीटर लगभग खाती से आगे और यहाँ पे हमारा पहला वाटरफॉल हमें दिख गया है सामने और यहीं पे हम लोग इससे आगे क्या वहाँ पे लंच करने का है ना, ब्रेकफास्ट, इससे आगे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से आगे को एक के बाद एक वाटरफॉल दिखाई देने वाले हैं। कई सारी जगह पे वाटरफॉल ही वाटरफॉल हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से आगे। कौन सी जगह हुई दीपक, ये ऐसा नाम क्या है, छरखोला, छरखोला इस जगह का नाम है। I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling. यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए हैं आगे और अभी जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ। अभी काफ़ी है यहाँ तक, 8 किलोमीटर के समथिंग हम लोग खाती से आ चुके हैं आगे। अभी काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता आ गया है, पूरा स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सामान के साथ। और अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा द्वाली। द्वाली यहाँ से है आई थिंक 1 घंटे का रास्ता है। Such a beautiful light when I still want you closer. I am longing for closure and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. सामने हमें दिख गया द्वाली और यहाँ पर हमारा स्टॉप रहेगा अभी थोड़ी देर। यहाँ से दिखने लग गया और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूट हो रखी है, ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं पहले और नीचे पिंडर नदी बह रही है। हम लोगों ने जब से खाते से स्टार्ट किया पिंडर नदी भी साथ साथ है और उसके साथ साथ ये ट्रैक भी बना हुआ है।
it's hard to get over such a beautiful lie when I still want you closer. I am longing for closure and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. फाइनली हम लोग द्वाली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ मेरे पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हुई है यहाँ पे, और ये है काफनी ग्लेशियर का ट्रैक रूट। हम लोगों को काफनी ग्लेशियर नहीं जाना है, हम जा रहे हैं यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर, जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर और होगा। 18 किलोमीटर का हमने ट्रैक पूरा खाती से यहाँ तक का कर लिया है, जो कि हमें सुबह 7 बजे से हम लोग खाती से निकल गए थे और काफ़ी टाइम लग गया यहाँ तक आते आते। हम लोग रुकते रुकते भी आए, टोटल 18 किलोमीटर दिखा रहा हूँ मेरे मोबाइल पर और एक्चुअल भी शायद इसी के आसपास होगा। तो यहाँ पे आप लोग वैसे भी रुक सकते हैं और हम लोग तो खैर अपने साथ कैंप लेके आए हैं, तो हम यहाँ पे यहाँ इससे आगे कैंप लगा के हम लोग यहाँ पर रहेंगे, और अगर कैंप ना हो तो आप यहाँ पे भी रह सकते हो। और यहाँ पे